नहीं चलेगी। वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 वर्कर यूनिटी जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। देखिए सर, पिछले 7 सितंबर से हम स्ट्राइक पर हैं और आज का जो प्रोटेस्ट यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि आप जानते हैं कि कछुआ में हमारे 3 साथी जो हंगर स्ट्राइक पर फास्ट एंड टू डेथ बैठे हैं, उनकी काफी कंडीशन खराब हो चुकी है और अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन ने उनकी कोई सुध नहीं ली है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ कि अगर किसी साथी को भी कुछ वहाँ पे होता है तो उसके लिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है वो तैयार रहे। और दूसरी जो प्रोटेस्ट आज हमने यहाँ पे करने का मकसद ये थी, आज हमारी कमेटी की जो मीटिंग होगी 2 बजे और अगला जो प्रोग्राम है उसमें उसके ऐलान किया जाएगा। और साथ ही साथ गवर्नर साहब से ये अपील भी है कि जो धोखा हमारे साथ बार बार हो रहा है, बहुत बातें हमारे साथ किए गए और सारे वादे जो है झूठे साबित हुए हैं, तो मैं गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो वादे हमारे साथ किए गए हैं उनको फिल फॉर पूर किया जाए, नहीं तो दिल्ली उधर एक बहुत बड़े आंदोलन की तरफ जा रहा है। तो अगर यहाँ पे जम्मू में लोगों को पानी की परेशानी या समस्या कुछ होगा तो उसकी जिम्मेवारी जो होगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। और साथ ही साथ 23 तारीख को इम्प्लाई कमेटी का एक प्रोग्राम जो कश्मीर में पट्टा पार्क में आया है उसको भी सारे साथी कामयाब करें। और साथ ही साथ मैं तमाम डेलीवर्स से अपील करता हूं कि इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट हो जाएं। जो सरकार ने ये डेलीवर्स कैदियों को क्रश करने की कोशिश करने जा रही है, इसको हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर सरकार ने हमारी पेंडिंग सैलरीज तमाम वर्कर्स की रिलीज नहीं की तो आगे जो हालात बनेंगे उसकी जिम्मेवारी यहाँ के एसोसिएशन की होगी और डिपार्टमेंट की होगी।